एक बार सभी का स्वागत है क्लास नंबर 31 बायोलॉजी की। होगा डीएनए एंड आरएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो एंड राइबो, ठीक है। तो देखो, ये जो आज का टॉपिक डीएनए एंड आरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर कैसे बनता है, जब हमें चोट लगती है नए सेल कैसे बनते हैं। मान लो कि जैसे मेरे नाखून है, अगर मैं अपने नेल्स को काट देता हूँ तो ऐसे ही सेम टू सेम नए नेल्स कैसे आते हैं, या मेरे बाल छोटे छोटे हो जाते हैं फिर वो अपने आप सेम टू सेम ऐसे ही क्यों बड़े हो जाते हैं। तो इन सब के पीछे जो कार्य प्रणाली है, जो प्रोसेस काम करता है वो है डीएनए। मतलब डीएनए में वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, डीएनए में वो जानकारी भरी रहती है कि भाई नया जो सेल है वो पहले के जैसा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। डीएनए ही वो चीज होती है जो हमारी ग्रोथ, हमारी वृद्धि, हमारे जो अदर फंक्शन होते हैं सेल्स के उन्हें, और जो हमारे रिप्रोडक्शन को सेम टू सेम पेरेंट के जैसे कराने में हेल्प करती है। कहने का मतलब, जैसे जिराफ होता है, जिराफ, ठीक है, जिराफ होता है, जिराफ का जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, जिराफ जैसे होगा। भाई उसकी गर्दन लंबी है तो लंबी होगी। मानव के जो बच्चे होते हैं, ह्यूमंस के, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल मानवों जैसे होते हैं। मतलब कहने का है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन कि जिराफ से जिराफ बनेगा, मानव से मानव, उसे कौन स्टोर करके रखता है, डीएनए, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें दो तीन चीजें आपको जानने की जरूरत है, अगर आपने इसका बेसिक जान लिया तो फिर आप चीजों को कर लेंगे, समझ लो। देखो, आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, आपको पता है ह्यूमन बॉडी या जो मानव शरीर होता है वो किससे मिलकर बनता है, जो मानव शरीर होता है भैया वो किससे मिलकर बनता है, सेल, कोशिका से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, सेल या कोशिका, सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। इसी प्रकार आपको पता है कि जो किडनी है वो किस किस से मिलकर काम करती है, किडनी की जो हमारा वृक्क होता है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, होती ना होती बच्चा, हमने पढ़ा था ना नेफ्रॉन, ठीक है, बोले सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, हाँ, ये क्या होता है, इसके सबसे छोटे पार्ट क्या होते हैं, न्यूरॉन, ये किससे मिलके बना होता है, न्यूरॉन से, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलके बना है, न्यूरॉन से। तो कह सकता हूं मैं बहुत सारे सेल, अगर ये मेरा मोनोमर है, सेल मेरी एक छोटी यूनिट है, तो ये जब बहुत सारे मिल गए तो मेरी ह्यूमन बॉडी क्या बन गई, पॉलीमर बन गई। भाई छोटी छोटी कई सारी यूनिट से मिलके एक बड़ी यूनिट का निर्माण हो जाना, उसे हम बहुलक कहते थे, पॉलीमर कहते थे, नहीं कहते थे, इन छोटी छोटी को मोनोमर, और ये जो एक बड़ी बन जाती थी इसको क्या बोलते थे, पॉलीमर या बहुलक। इसी तरह कह सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि सेल्यूलोज होता है, क्या होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, सेल्यूलोज क्या है, पॉलीमर है, एक बहुलक है, और ये किस किस से मिलके बना है, सेल्यूलोज जो मिलके बना है, ये ग्लूकोज से मिलके बना है, किससे मिलके बना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है मेरा, मोनोमर है, ग्लूकोज क्या है मेरा, मोनोमर। तो मैं कह सकता हूं कि जब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलके एक एक चीज निर्माण करती है तो बड़ी चीज को हम पॉलीमर बोलते हैं, छोटी चीज को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। इसी तरह जब बहुत सारे न्यूरॉन मिलके नर्वस सिस्टम, नेफ्रॉन मिलके किडनी, ह्यूमन बॉडी, तो इसी तरह जो हमारे डीएनए की छोटी छोटी यूनिट होती है जिनसे हमारा डीएनए मिलकर बना होता है उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं उन्हें, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये मोनोमर है, ये क्या है, मोनोमर मतलब एक अलग। अब ऐसे जब बहुत सारे, मतलब मिलियंस न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं, लाखों न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं, तो वो क्या मिलके बनाते हैं, डीएनए मिलके बनाते। तो आप कह सकते हो कि डीएनए एक पॉलीमर है जिसे आप बायोपॉलीमर कह सकते हो, जैव बहुलक, ठीक है, जो कि जीवित चीजों में पाया जाता है, या आप इसे बायोपॉलीमर के साथ साथ आप इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब जो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। तो याद रखिएगा, डीएनए की जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड।
क्वेश्चन आता है सर ये न्यूक्लियोटाइड होती क्या है। तो देखो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, पहले इसको लिख लो। न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटी यूनिट होती है डीएनए की, मतलब जितने भी डीएनए होते हैं, जितना भी डीएनए होता है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। ऐसा समझ लो जितना हमारे मानव शरीर में डीएनए पाया जाता है, अगर हम उसे फैला लें मतलब उसे खोल दें तो यहां से सूरज तक आना जाना 300 बार हो सकता है, मतलब इतना लंबा धागा हो सकता है, यहां से सन तक, सन से वापस 300 टाइम्स इतना डीएनए हमारे शरीर में होता है। क्वेश्चन आता है सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो, इतना ज्यादा डीएनए होता है हमारे शरीर में तो वो इतने यहां से हम सूरज तक पहुंच सकते हैं, तो डीएनए में तो दिखता भी नहीं, इतना छोटा भी होता है। मैं क्या कहूंगा कि वो कॉइल बना के रहता है, जैसे हमारी छोटी आंत होती है ना, है तो इतनी लंबी 6 मीटर की, लेकिन आपस में कॉइल बना के रहती है ना, मुड़ी तुड़ी रहती है, इसी तरह हमारा डीएनए कंडेंस रहता है बिल्कुल इकट्ठा हुआ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे छोटी यूनिट होती है किसके की, अब बात आती है न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है, बनती है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में होती है तीन चीजें, न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती है, तीन चीजें, नाइट्रोजीनस बेस मतलब ऐसा क्षार जिसमें, जिसके साथ नाइट्रोजन भी हो। ठीक है, मतलब एक तो इसमें क्या चीज होती है, नाइट्रोजीनस बेस। दूसरी जो इसमें चीज होती है वो होती है शुगर भी, कौन सी, फाइव कार्बन शुगर। और इस वाली शुगर को क्या बोलते हैं, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, आपको पता है ना, ओज लगा देते थे, ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो मैंने उस दिन आपको समझाया था जब मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा था कि फाइव कार्बन शुगर होती है जिसे हम पेंटोज बोलते हैं। ठीक है, और पेंटोज के कई नाम हो सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है, राइबोज शुगर भी हो सकती है। इसी तरह जैसे C6H12O6 ये क्या था हमारा, ये हमारा ग्लूकोज है, इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 6। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ग्लूकोज को, हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज कैसी शुगर है मेरी, हेक्सोज, क्योंकि हेक्स माने हेक्सेन 6। ठीक है, ओज माने शुगर। मैंने क्या बताया था, जिसके पीछे ओज लगा रहता है वो क्या होती है, शुगर। तो दो चीजें तो ये हुई कि एक तो होगी इसमें शुगर, ठीक है, एक क्या होगी इसमें शुगर, वो भी कौन सी, पेंटोज शुगर। तो डीएनए में जो शुगर पाई जाती है उसे क्या बोलती है, डीऑक्सीराइबोज। और तीसरी चीज होती है इसमें फॉस्फेट ग्रुप, तीसरी चीज क्या होती है, फॉस्फेट ग्रुप मतलब P4-3-, ये वाला जो ग्रुप होता है फॉस्फोरस वाला, फॉस्फेट ग्रुप। मैंने क्या बताया, न्यूक्लियोटाइड नाम की चीज जो है जो मिलके क्या बनाती है, डीएनए, इसमें तीन चीजें होती है, एक तो होता है इसमें नाइट्रोजीनस बेस, कौन कौन से, जैसे एडिनिन, ठीक है, ग्विनिन थाइमिन साइटोसिन, ये चार बेस पाए जाते, बेस एडिनिन ग्विनिन थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, एक क्या पाई जाती है, डीऑक्सीराइबो शुगर, तीसरी चीज क्या पाई जाती है, फॉस्फेट ग्रुप। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, सिर्फ अगर हम पहली और दूसरी को लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं भैया, न्यूक्लियोसाइड। और अगर इन दोनों के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है तो क्या बन जाता है, मेरा एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और जब ऐसे हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है, मेरा डीएनए बनता है। चलिए आगे पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया ना, नाइट्रोजीनस बेस, ऐसे बेस, ऐसे वीक बेस जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, इनकी ये दो टाइप के होते हैं, आगे बताऊंगा। फाइव कार्बन शुगर जिसे डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप जिसे PO4-3- बोलते हैं। तो यहां से आपके तीन क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपसे पूछ सकता है न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनती है, या व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
दूसरा आपसे पूछ सकता है बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए किससे, या मोनोमर ऑफ डीएनए। तो इस तरह की चीजें आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। अब जो आपके ये नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, आपके नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, ठीक है, ये जो ठीक है प्यूरीन चार, और दूसरे को बोलते हैं पाइरीडीन चार, पाइरीडीन चार, ठीक है, डीएनए में पाए जाने वाले। प्यूरीन, एडिनिन और ग्वानिन जो होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन, ये जो होते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं जी, ये होते हैं प्यूरीन। अब कहोगे सर प्यूरीन और इन दोनों में क्या अंतर है, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें डबल रिंग पाए जाते हैं। प्यूरीन में क्या पाए जाते हैं, डबल रिंग, ठीक है, डबल रिंग। और पाइरीडीन में क्या पाए जाते हैं, सिंगल रिंग। पाइरीडीन तीन होते हैं अगर देखा जाए चार, तो एक हो जाता आपका थाइमीन, एक हो जाता है आपका साइटोसिन, और तीसरा हो जाता है यूरेसिल। यूरेसिल, ये जो यूरेसिल नाम का क्षार होता है, ये आरएनए में मिलता है, किसमें मिलता है, आरएनए में। डीएनए में ये दोनों और ये दोनों पाए जाते हैं। तो देखो दो तरीके के क्षार हो गए, एक हो गया प्यूरीन जो एडिनिन और ग्वानिन होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर अलग 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 है। जैसे बाबू अगर मैं किसी के पीछे OH लगा देता हूं तो इसे एल्कोहल बोलता हूं, किसी के पीछे अगर मैं COOH लगा देता हूं तो इसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता हूं। तो कहने का मतलब अगर मैं उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूं तो उसका नाम भी बदल जाता है। इसी तरह ये जो चारों प्रकार के क्षार हैं, पांचों प्रकार के, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इनके नाम भी डिफरेंट हो जाते हैं। इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ के रखो कि इसमें डबल रिंग पाए जाते हैं, और डबल रिंग और सिंगल रिंग का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। अगर आपको डबल रिंग और सिंगल रिंग, ये समझ लो ए जी प्योर हो तुम, और बाकी तीनों क्या होंगे, टीसीयू, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, पाइरीडीन। अब इनका स्ट्रक्चर जानने की अगर आपको चाहते तो इनका स्ट्रक्चर भी देख लो, सिंगल और डबल। तो डबल में क्या है, किस तरह से देख लो, इस तरह से इसका एक सिंगल स्ट्रक्चर बन जाएगा, छह सात आठ। देखो ये प्यूरीन दिख रहा है ना, डबल डबल रिंग, एक रिंग ये, एक रिंग ये, जबकि पाइरीडीन जो होते हैं वो सिंगल रिंग वाले होते हैं। पाइरीडीन क्या होते हैं, सिंगल रिंग वाले, एक दो तीन चार पांच, बस ये अंतर है। जो पाइरीडीन बेस होते हैं उसमें सिंगल रिंग पाया जाता है, कौन कौन से होते हैं, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिन, ठीक है। जबकि ये वाले जो होते हैं इसमें डबल रिंग पाया जाता है, कौन कौन से होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है, एजी। तो दो प्रकार के नाइट्रोजीनस बेस होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ये आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, कैसे कैसे इसमें पेयरिंग होती है। तो देखिए सबसे पहले डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक क्यों बोला गया इन्हें, क्योंकि ये न्यूक्लियस किसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियस अथवा केंद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। डीऑक्सीराइबो क्यों बोला गया, क्योंकि इनकी जो शुगर होती है, जो इनकी शर्करा होती है पांच कार्बन वाली, उसका नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोज। इनकी शुगर को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। तो 1868-69 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर, क्या नाम था, फ्रेडरिक मिशर, ठीक है, फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर साहब ने, बैंडेज होती है ना बैंडेज, तो बैंडेज में से कभी कभी पस बाहर आ जाता है, जो रक्त रक्त सा होता है, ठीक है। तो जब उस पस में से इन्होंने
डीएनए को निकालना हो सकता है कि जो हमारा डीएनए है वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियड करता हो। किसने सबसे पहले डीएनए का पता लगाया था? फ्रेडरिक मिशर। उसके बाद में क्या हुआ कि डीएनए हमारे शरीर में पाया कैसे जाता है, किस रूप में पाया जाता है, किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, वो हमें नहीं पता था। तो उसके लिए दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक, फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन। वॉटसन एंड क्रिक इन दो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहां पे एक लेबोरेटरी है कैवेंडिश लेबोरेटरी। कौन सी लेबोरेटरी? कैवेंडिश लेबोरेटरी। और यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वॉटसन एंड क्रिक इन दो साइंटिस्टों ने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, क्या बताया? डीएनए की संरचना, कि हमारे शरीर में डीएनए पाया कैसे जाता है। हर एक सेल के अंदर होता है डीएनए, मुख्य तौर पर डीएनए पाया कहां है? न्यूक्लियस में पाया जाता है ना, न्यूक्लियस में। और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होती है उनमें भी पाया जाता है। आपको याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई कि जो डीएनए पाया जाता है हमारी बॉडी में वो किस रूप में पाया जाता है, किस आकृति, उसकी शेप होती है। मॉडल को बोला गया डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोला गया? डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। क्या बोला गया? द्विगुणित, द्विगुणित मॉडल, द्विगुणित मॉडल, ठीक है। डबल हेलिक्स समझना होता है, कहते हो ये एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी की इनको क्या बोल सकते हो? सीढ़ी बैकबोन। भाई जो सीढ़ी को पकड़ के चलती है इनको आप क्या बोल सकते हैं? बैकबोन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमने लैडर में इस तरह से रंग बिछा देते हैं ना, इनके ऊपर आप पैर रख के एक से ऊपर एक जाते हो, तो इसी तरह जो हमारा डीएनए होता है उसका भी स्ट्रक्चर लगभग कुछ ऐसा ही है, लैडर जैसा। लेकिन अगर आप उसे देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से मुड़ा रहेगा, वो कुछ इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। मैंने क्या किया इसमें, तो मैंने आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखा दी बिल्कुल, इसमें मैंने इनको कॉइल कर दिया। तो एक्चुअल में जो आपका डीएनए, हमारा डीएनए पाया जाता है वो इसमें पाया जाता है, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल। ये जो बड़ी बड़ी सी मैंने लाइन दिखाई है इस तरह से, आप बैकबोन बोल सकते हो, इन्हें क्या बोल सकते हो आप? बैकबोन। और इस पे इस तरह से ये जुड़े रहते हैं, इनको आप क्या बोल सकते हो? ये जो लैडर होते हैं इनको कहेंगे नाइट्रोजीनस बेस। ये क्या होता है? नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो लैडर है, ये जो आपस में जुड़े रहते हैं, ये नाइट्रोजीनस बेस रहते हैं। कुछ इस तरीके से इनमें क्या होती है, आपस में ये दूसरे से बॉन्ड बनाते रहते हैं। अभी बताऊंगा कैसे, समझ लो। ये जो बैकबोन है, ये जो बैकबोन है जो इस पूरे लैडर को संभाल के चलती है, ये बैकबोन बनी हुई है फॉस्फेट व शुगर की, फॉस्फेट व शुगर। जो PO4 3 नेगेटिव एंड आपने डीऑक्सीराइबोज शुगर देखी थी। फिर से सुन लो मेरे बच्चा, कि हम पढ़ रहे हैं डीएनए, ठीक है। हम डीएनए में जान रहे हैं कि डीएनए बना किसका होता है, तो हमने जाना कि डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस जैसा होता है, जैसे कि सीढ़ी। तो सीढ़ी पे तो खड़े करने वाले जो सीढ़ी को संभालते हैं वो डंडे होने चाहिए, जिन्हें हम बैकबोन कहते हैं। तो जो डीएनए में बैकबोन बनाने का काम करते हैं वो करते हैं फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोज शुगर। मतलब शुगर और फॉस्फेट एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, संयोजक बंधन से। और संयोजक बंधन से जुड़े रहने के साथ वो किसका निर्माण करते हैं? बैकबोन। इसे आप सिंपल ऐसे भी देख सकते हैं, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, ठीक है, मेरी बात है। ये क्या कह रहा हूं, ये जो मिलकर बनाती है, ये दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े रहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से। ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ के अल्टरनेटली क्या बनाते हैं? एक पूरी बैकबोन का निर्माण करते हैं। और बीच में क्या जुड़े रहते हैं?
बीच में जुड़े रहते हैं आपके बेस, नाइट्रोजीनस बेस। तो इसको लिख लेना कि बैकबोन का निर्माण कौन करता है, फॉस्फेट ग्रुप और आपका शुगर, और उनसे जुड़े कौन रहते हैं लेडर के जो बीच के रन्स होते हैं, इस तरह वाले जो रन्स होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। तो देखो जो डीएनए होता है इसमें ये डबल हेलिक्स, ये जो दो बैकबोन है इनपे सेम इंफॉर्मेशन रहती है, इनपे कैसी जानकारी रहती है, सेम इंफॉर्मेशन, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन, और ये होनी भी जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी नई संरचनाएं होती है, नए सेल जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन कैसे बने वो कौन बताता है, डीएनए। देखो जितने भी हमारे शरीर में नए सेल बनेंगे वो किससे बनेंगे, प्रोटीन से, प्रोटीन कैसे बने उसे कौन बनाता है, डीएनए को, मतलब प्रोटीन कैसे बनते हैं, कैसे बने, किस तरह से बने, उसे कौन निर्धारित करता है, हमारा डीएनए। अब मान लो कि हमारी एक ही जगह इंफॉर्मेशन है और वही इंफॉर्मेशन लॉस हो गई या उस इंफॉर्मेशन में कुछ दिक्कत आ गई, म्यूटेशन आ गया, कुछ चेंज आ गया, तो जो नए सेल होंगे वो अजीब तरीके के बनेंगे क्योंकि जिस तरीके से वो बनने थे उसमें तो कुछ डिफॉल्ट आ गया, जब अगर कुछ डिफॉल्ट आ गया या कुछ उसमें फॉल्ट आ गया तो क्या होगा कि वो जो एक्चुअल में जिस तरह से सेल बनने थे वो नहीं बने और फिर बाद में क्या बन जाएंगे, वो कैंसर वगैरह बन जाएंगे जिससे हमारी बॉडी उन सेल्स को नहीं पहचान पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होने का मतलब था, जो द्विगुणित हेलिक्स, इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं ना, एक ये वाला एक ये वाला, तो इनपे सेम इंफॉर्मेशन, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन कॉपी रहती है। ठीक है, और ये बीच में क्या जुड़े रहते हैं, आपके बेस। अब देखो तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है कि जो हमेशा एडिनिन होता है प्यूरिन में, जो एडिनिन होता है वो हमेशा थायमिन के साथ, किसके साथ कंबाइन करेगा, थायमिन के साथ, और जो साइटोसिन होता है, जो ग्विनिन होता है, जो ग्विनिन होता है वो किसके साथ करेगा, साइटोसिन के साथ, एटीसीजी, एटीसीजी। किस तरह से, मान लो ये है ए और ये है मेरा टी, इनके बीच में ये जो मैंने बनाया, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, वीक बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ लो। जो देखो जो फॉस्फेट और शुगर ग्रुप आपस में अटैच रहता था वो किसके बेसिस पर रहता था, कोवालेंट बेस, कौन सा बॉन्ड रहता था, कोवालेंट, और जो बेस आपस में जुड़े रहते हैं ये कौन से बॉन्ड से रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए और टी एडिनिन और थायमिन के साथ कौन सा बेस बनता है, मतलब कौन से कितने बॉन्ड होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो आपका सीजी होता है, साइटोसिन ग्वानिन, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तीन हाइड्रोजन। ए टी, अब की बात टी इधर आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री टी, इसको क्या बोल दोगे, ए, वही दो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब की बार जी इधर आ जाएगा और सी इधर चला जाएगा, कितने बॉन्ड, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए टी सी जी टी ए जी सी, मतलब कॉम्प्लीमेंट, एक स्ट्रैंड पर इधर एक पर इधर, इसीलिए जो कॉपी होती रहती है इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन दोनों पर रहती है, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन दोनों स्ट्रैंड पर रहती है, किसके कारण, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण, कि जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं ये दोनों बैकबोन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये किसके साथ अटैच रहते हैं, शुगर के साथ, जो बैकबोन में शुगर है ना, इस शुगर के साथ ये अटैच रहते हैं, शुगर फॉस्फेट के साथ अटैच रहती है कोवेलेंट बॉन्ड से, इन दोनों के बीच में कौन सा बंधन होता है, इन दोनों के बीच में बंधन होता है भैया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब आप दिख रहा है कि एक बार ए इधर था, एक बार इधर आ गया, फिर इधर आ जाएगा, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट होके चल रहा है, एक बार इधर एक बार उधर, तो जो इंफॉर्मेशन है वो डुप्लीकेट हो जाती है, दोनों पर सेम इंफॉर्मेशन रहती है। तो अभी तक आपने तीन चार चीजें समझ ली, अभी तक आपने तीन चार चीजें समझी, अगर आप लिख रहे होंगे तो, एक तो आपने समझा कि जो डीएनए होता है वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि नए सेल कैसे बने, नए सेल बनेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इन सब की जानकारी स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। फिर आपने जाना न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक इसमें शुगर होती है, और एक कोई भी चार में से कोई भी नाइट्रोजीनस बेस होता है, कोई भी नाइट्रोजीनस बेस, एक चारों में से, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन या थायमिन में से एक बेस रहता है। जब एक बेस रह जाएगा तो इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किससे अटैच रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से,
और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किससे जुड़ी रहती है, बैकबोन। बैकबोन का निर्माण कौन करता है इस न्यूक्लियोटाइड में, फॉस्फेट और शुगर। चलिए किस तरह से कॉपी होती है ये भी आपने जान लिया। चलिए अब आगे जानते हैं, जब इसको आप दोबारा तीन चार बार करोगे ना क्लास को तब जाके टॉपिक समझ में आएगा, छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी थोड़ा सा सांस लीजिएगा, नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना अभी शेयर करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, ये जो आपके चार बेस थे, ये जो फोर बेसिस थे, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ये चार ही तो थे डीएनए में, डीएनए के बेस होते हैं चार बेस। इन चार बेस ये तीन तीन के ग्रुप में, कितने कितने के ग्रुप में, तीन तीन, जैसे यू यू जी, ठीक है, जी सी यू ओ, कहने का मतलब है जो बेस होते हैं ये चार क्या बना दिया जाता है, मतलब तीन तीन के ग्रुप में, चार है ना तो टोटल कितने बने 64, ये टोटल है चार, इनको तीन तीन के ग्रुप में लगभग 64 कोड्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, लगभग 64 कोड्स, जिन्हें बोलते हैं कोडोन। कोड्स को क्या बोलते हैं, कोडोन। ये जो कोडोन है यही वो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन होती है, इन कोडोन को आप क्या कह सकते हो, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि नए प्रोटीन न्यू प्रोटीन कैसे बने। तो कहने का मतलब है कि जी डीएनए अपने अंदर इन चारों बेस, ये जो चारों बेस हैं, जैसे मान लो कि सिंपल छोड़ो, मैंने लिखा टॉर टी ओ वाई, मैंने तीन अल्फाबेट लिखे, मैंने लिखा वाई ओ टी, इसका कुछ मतलब है, कोई शब्द बना इससे, नहीं। मैंने लिखा ओ टी वाई, इससे कोई शब्द बना, नहीं। जब मैंने लिखा तो लाइन से टी ओ वाई, तो क्या बन गया, टॉय, खिलौना बन गया ना खिलौना। तो कहने का मतलब अगर मैं अल्फाबेट्स को एक सही क्रम में लगा दूं तो मुझे एक वर्ड मिल जाएगा। इस तरह ये जो बेस होते हैं इनको अगर मैं एक सीक्वेंस में लगा दूं, एक क्रम में लगा दूं, तो वो जो क्रम होगा उससे मेरे नए प्रोटीन्स बनेंगे। तो कहने का मतलब जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं इन्हीं की सीक्वेंस अलग अलग, कभी ए ए जी, कभी ए जी सी, कभी आगे, वो क्या बनाने के काम आता है, नए प्रोटीन बनाने के काम आता है, वो देखेंगे हम आगे, ठीक है भैया। चलिए अब आगे देखते हैं, यार हो जा चुका है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। जो डीएनए यूकैरियोट्स में पाया जाता है, हम यूकैरियोटिक जीव है ना, क्योंकि हमारे अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक जीवों में जो डीएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक जीवों में जो डीएनए पाया जाता है वो ज्यादातर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरीके से टेंगल्ड हुआ पड़ा रहता है। किस तरीके से पड़ा रहता है, टेंगल्ड हुआ, ठीक है, आपस में गुड़ा गुड़ा हुआ हुआ, मतलब एकदम बिल्कुल जैसे उड़ाने वाला, वो आपस में जब मिल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि डीएनए बहुत लंबा होता है, मतलब जो हमारा पूरा जो डीएनए है लगभग उसमें 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कितने बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड, जो हमारा पूरा डीएनए मिलके बना है वो कितनी अरब न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, 3 बिलियन। ये 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड हमारे शरीर के अंदर 46 क्रोमोसोम के ऊपर रखी रहती है, मतलब ये जो 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं ये हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम के अंदर रहती हैं, 46 क्रोमोसोम। तो कहने का मतलब क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर है जो डीएनए को कैरी करते हैं, जो डीएनए को क्या करके चलते हैं, कैरी करके चलते हैं, डीएनए को अपने अंदर रखकर चलते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जो डीएनए होता है ये क्रोमोसोम के अंदर रहता है, और कैसे लिपटा हुआ, कुछ प्रोटीन होते हैं जिनका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम होता है, हिस्टोन। जैसे ये छोटे छोटे माला के मन के नहीं होते बीड्स ऑफ, ये जो माला होती है जैसे गले में जो पहनते हैं, तो गले के छोटे छोटे मोती होते हैं, तो इसी तरह मोती के चारों तरफ, मान लो हिस्टोन एक मोती है, इसके चारों तरफ डीएनए क्या करके पड़ा रहता है, कॉइल बना के पड़ा रहता है। इसलिए मैंने कहा था कि सन से अर्थ तक 300 बार आना जाना कर सकते हैं, कि अगर हम अपने डीएनए को इंटेंगल कर दें, डीएनए को पूरा लंबा कर दें। तो कहने का मतलब है कि डीएनए किसके रूप में हमारे शरीर में रहता है, 46 क्रोमोसोम के, जितनी कितनी न्यूक्लियोटाइड होती है, लगभग 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड होती है जिनसे हमारा पूरा डीएनए बना है, और वो पाया कितने क्रोमोसोम के अंदर जाया जाता है, 46 क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है।
और ये जो क्रोमोसोम मुड़े तुड़े पड़े रहते हैं चारों तरफ हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जो मुड़े तुड़े पड़े रहते हैं, इस पूरी संरचना को बोला जाता है क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन संरचना। तो कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम या जो डीएनए हमारे शरीर में पाया जाता है न्यूक्लियस में, वो किसके रूप में पाया जाता है? क्रोमेटिन। और जब ये डिवाइड हो रहा होता है सेल, जब एक सेल से दो सेल बन रहे होते हैं, तो ये जो क्रोमेटिन है ये इस तरह की कोई संरचनाएं बना लेते हैं। किस तरह की संरचनाएं बना लेते हैं? कुछ इस तरह की संरचनाएं बना लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही जो क्रोमेटिन के फाइबर हैं, ये कुछ इस तरह की संरचना बना लेते हैं, ये कुछ छोटे एंड और ये कुछ लंबे एंड, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, ठीक है भैया। और ये जहां पे एंड हो रहे होते हैं इस पार्ट को बोलते हैं टेलोमियर। क्या बोलते हैं इसको? टेलोमियर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्रोमोसोम हमें कब दिखाई देते हैं? जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब हमें क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, क्योंकि वो क्रोमेटिन पदार्थ से निकल के कंडेंस हो जाते हैं और एक साथ इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं? एक एक्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसी एक्स टाइप स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम के रूप में जानते हैं। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 जोड़े में पाए जाते हैं। कितने जोड़े में पाए जाते हैं? 23 जोड़े। और जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है वो है क्रोमोसोम 1, जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो जो हमारा पहला गुणसूत्र है वो सबसे बड़ा है, जिसके ऊपर क्या पाई जाती है? लगभग 3000 जीन्स। अब देखो क्या होता है, ये तो डीएनए हो गया, डीएनए किसके रूप में मिल गया? क्रोमोसोम के रूप में। और वो किस स्ट्रक्चर में? क्रोमोसोम किस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं? क्रोमेटिन नाम के स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं। क्रोमेटिन का काम क्या है? उनको मोड़ तोड़ के अपने पास जमाए रखना। चलो अब डीएनए की फंक्शनल यूनिट, डीएनए का काम क्या है कि न्यू सेल कैसे बने, कहने का मतलब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, नहीं करता, मतलब जो आनुवांशिक इंफॉर्मेशन होती है, माता पिता की जो इंफॉर्मेशन होती है उसे बच्चों में पहुंचाने का काम करता है। तो डीएनए जिसके थ्रू ये काम करता है वो क्या होते हैं? क्या बोलते हैं? जीन, ठीक है, जीन ही वो। अब कहोगे सर ये जीन क्या है? तो जीन एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन है। जीन क्या है एक्चुअल में? इंस्ट्रक्शन, वही UUG ATC। कहने का मतलब जो अभी हमने नाइट्रोजीनस बेस पढ़े थे उन्हीं नाइट्रोजीनस बेस की एक सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? जीन। और हर एक सीक्वेंस कुछ अलग तरीके के प्रोटीन बनाती है। इसी तरह किसी की आंखें लाल होती है, किसी की आंखें काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी ब्लू होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी के धोले मतलब घुंघराले बाल होते हैं, किसी के बिल्कुल स्ट्रेट बाल होते हैं। कहने का मतलब कि डीएनए जैसे ही मान लो ये हो गया मेरा सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हो गए क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या रहता है? डीएनए। तो डीएनए को ऐसे मान लो कि डीएनए एक जीन, दो जीन, तीन जीन, चार जीन, और एक जीन क्या है? 3, मतलब 3 बेस की एक कोड है। जीन क्या है एक्चुअल में? कोड है। जीन क्या है? कोड, जिसको राइबोसोम डिकोड करते हैं। जिसको कौन डिकोड करता है? राइबोसोम। और डिकोड करके जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है उसके आधार पर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो जीन एक तरीके से कोड है जिसमें 3 बेस पेयर होते हैं, जिसमें 3 बेस होते हैं, और इसकी एक सीक्वेंस GGC UUG ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। कौन से प्रोटीन? जो जब मैंने प्रोटीन पढ़ाया था तो एलिनीन बताया था ना, ल्यूसीन, सेरीन, ये सब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन लिखवाए थे आपको, कुछ एसेंशियल थे कुछ नॉन एसेंशियल थे। तो इसी तरीके के सारे प्रोटीन बनाने का काम कौन करती है? जीन के अंदर ही वो इंफॉर्मेशन रहती है कि नए प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा, बाल काले होंगे या बाल मेहंदी वाले कलर के जैसे अंग्रेजों के आपने देखे होंगे, ठीक है भैया। तो डीएनए जो हेरिडिटरी यूनिट होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह माता पिता की विशेषताओं को बच्चों में पहुंचाती है, वो कौन सी होती है? हमारी जीन होती है। और जीन क्या है एक्चुअल में? सीक्वेंस है बेस पेयर्स की। इसी सीक्वेंस के आधार पर नए प्रोटीन बनते हैं, नए प्रोटीन से नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। चलिए नए प्रोटीन से क्या बनते हैं? नए सेल्स बनते हैं। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं।
हेरिडिटरी यूनिट आप जीन्स को कहोगे, ठीक है। अब क्या होता है, एक वर्ड होता है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, मतलब जीन नए प्रोटीन कैसे बनते हैं, नए प्रोटीन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखो, नए प्रोटीन बनने में जो सबसे पहले स्टेप होता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, समझना, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डिकोडिंग होती है। क्या होती है, कोडिंग होती है। इसमें क्या होती है, कोडिंग। कोडिंग मतलब कि एक डीएनए जो होता है, ठीक है, एक मैसेंजर आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए कुछ नहीं होता, एक तरीके की इंस्ट्रक्शन होती है, जी सी यू जी इस तरह का कुछ लंबा सा एक इंस्ट्रक्शन होता है। ये जो मैसेंजर आरएनए होता है, इसका काम है कि तुम राइबोसोम तक पहुंचो। तुम कहां तक पहुंचो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं, कि तुम राइबोसोम तक पहुंचो। ये एमआरएनए कहां गया, राइबोसोम के पास आ गया, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है आपको पता है, प्रोटीन बनाना। और जब तक प्रोटीन नहीं बनेंगे नए सेल नहीं बनेंगे, जब तक प्रोटीन नहीं बनेंगे नए सेल नहीं बनेंगे। राइबोसोम के पास आ गया, राइबोसोम के अंदर एक आरएनए होता है जिसका नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए बोलता है। ये आरआरएनए का काम क्या होता है, फाइनली इसको डिकोड करना। यहां से तो कोडिंग हो गई, यहां पे क्या होगी, अब राइबोसोम के पास डिकोडिंग। डिकोडिंग करके पता चल गया कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, ल्यूसीन बनाना है या सेरीन नाम का प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन का पता चल गया, इसे डिकोड कर दिया। फिर एक और आरएनए होता है जिसका नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। एक और आरएनए होता है, ऐसा नहीं, ये तो पता चल गया कि ल्यूसीन और सेरीन बनता है। आपको पता है कि जितने भी प्रोटीन होते हैं वो किस किस से मिलकर बनते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से। तो जब तक राइबोसोम के पास अमीनो एसिड नहीं होंगे वो प्रोटीन नहीं बना सकता। ल्यूसीन के लिए कुछ अलग तरीके के अमीनो एसिड चाहिए, सेरीन के लिए कुछ अलग तरीके के। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है ना, इसका काम होता है कि इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स को लेकर आए और राइबोसोम को दे दे। पहले मैसेज आया कि भाई प्रोटीन बनाओ, इस प्रकार के प्रोटीन बनाओ, उसने बता दिया कैसे बनने हैं, ऑर्डर दे दिया, ठीक है। ऑर्डर कहां गया, यहां पे आ गया मिठाई की दुकान पे, ऑर्डर मिठाई का। अब मिठाई कौन सी बननी है, कोई चॉकलेट वाली बननी है, कोई किसी फ्रूट वाली बननी है, किसी और तरह की। तो ये मिठाई दुकान वाला क्या करेंगे, अपने किसी व्यक्ति जिसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, उसे भेजेगा और वो सारे कच्चा माल मंगाएगा, दूध वगैरह जिससे मिठाई बनती है। कच्चा माल जैसे इसके पास आ जाएगा, मिठाई की तो उसे पता है कौन सी बननी है, ये उस मिठाई को बना के दे देगा। तो कहने का मतलब, इस तरीके से एक जीन ने बता दिया, एक जीन बनी, यहां से डीएनए ने हमारे में बताया क्या दिया, एक जीन दी, और उस जीन ने प्रॉपर प्रोटीन, उस जीन से प्रॉपर प्रोटीन एक बन गया जो उस जीन को बनाना था, ठीक है, जिसके लिए वो जीन आई थी। तो इस तरीके से जो जीन थी वो लास्ट में एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कि जीन प्रोटीन में चेंज हो गई। तो जीन एक्सप्रेशन, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। और यहां जो ये सारी प्रक्रिया हो रही होती है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, कि वो जो वहां पे कोडिंग हुई थी उसको यहां पे ट्रांसलेट किया जा रहा है, प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, ठीक है, या उस सीक्वेंस को पढ़ा जा रहा है एक्चुअल में, ये आप कह सकते हो। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांस, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। देखो, हमारे शरीर में चार मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर में मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं मतलब व्रत, हमारे शरीर में जो व्रत अणु पाए जाते हैं वो लगभग चार होते हैं। कौन कौन से, लिपिड, लिपिड तो आपने पढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, फैटी एसिड वगैरह। दूसरे ठीक है, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। भाई लिपिड बनते हैं फैटी एसिड से, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं ग्लूकोज से, प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, और न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एक हमने पढ़ लिया डीएनए,
और दूसरा होता है आरएनए, ठीक है। एक तो पढ़ लिया डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। बेसिक डिफरेंस तीन होते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं तीन। ये डबल हेलिक्स होता है, इसमें डबल स्ट्रैंड पाए जाते हैं, दो धागे इस तरीके से द्विगुणित, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर रहती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और इसमें जो रहती है वो रहती है राइबोज शुगर होती है। ये भी इसकी सेकंड वाला जो कार्बन होता है, ठीक है, इसका जो सेकंड वाला कार्बन होता है, इसमें ओएच एक ग्रुप रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है राइबोज। तीसरा, इसमें एडिनिन ग्वानिन ये तो प्यूरिन पाए जाते हैं, साइटिन और थाइमिन ये पाइरिडिन बेस पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। एडिनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन नाम के बेस को पाए जाते हैं, जबकि इसमें थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल। इसमें थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल और साइटोसिन। वहां पे क्या होता था? जो एडिनिन होता था वो टी के साथ कंबाइन करेगा, यहां पे किसके साथ कंबाइन करेगा? यू के साथ, डबल हाइड्रोजन, और बाकी सी और जी तो आपस में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कंबाइन करेंगे ही, ठीक है। तीन मुख्य डिफरेंस होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, इस तरह से डबल नहीं होता, इसमें राइबोज शुगर होती है, और राइबोज से ही डीऑक्सीराइबोज बनता है जब इसमें से एक ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें एडिनिन और ग्वानिन प्योरिन बेस प्यूरिन बेस होते हैं, और यूरेसिल और साइटोसिन पाइरिडिन, जबकि इसमें थायमिन होता है डीएनए में, डीएचवाई वाला, ठीक है। और जो आरएनए होता है वो हमारी बॉडी में मुख्य तीन प्रकार के पाए जाते हैं। जो हमारे शरीर में सेल्स में आरएनए न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है वो थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। नंबर वन मैसेंजर आरएनए, याद है ना, जो न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास इंफॉर्मेशन आता है, राइबोसोम के पास इंफॉर्मेशन लेकर आता है, के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने की जानकारी, कौन सा प्रोटीन बनाना है ये सब। सेकंड होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? कलेक्ट नेसेसरी अमीनो एंड डिलीवर टू राइबोसोम। बनना था वो जो प्रोटीन बनना था उसके लिए कौन कौन से अमीनो एसिड्स चाहिए, क्योंकि प्रोटीन तो अमीनो एसिड से बनते हैं ना, ये तो हमें सिंपल सी बात पता है। उन्हें इकट्ठा करता है और उन्हें राइबोसोम को दे देता है, और फाइनल होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसका काम क्या होता है? अमीनो एसिड से जो भी अमीनो एसिड्स आए हैं, ठीक है भाई, यहां से जो एमआरएनए अपने अंदर जो कोड लेकर आया था, कौन सा प्रोटीन बनना था, उस कोड को डिकोड किया, और डिकोड करके जो भी अमीनो एसिड इस ट्रांसफर आरएनए ने राइबोसोम उनसे किसका निर्माण कर देना, उनसे प्रोटीन का निर्माण कर। तो जितने भी अमीनो एसिड्स आते हैं उसको किसमें बदल देता है? प्रोटीन्स में बदल देता है। चलिए तो तीन हो गए, एमआरएनए टीआरएनए, ठीक है। चलिए एक आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मतलब ऐसा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए होता है ना, ये मदर से मिलता है। इसे कहां से इनहेरिट करते हैं हम लोग? मदर से, मां से इनहेरिट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम से मां और एम से मदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसे हम कहां से लेते हैं? माता से। चलिए तो ये हो गया डीएनए का कुछ बेसिक चीजें, डीएनए किससे बनता है, क्या क्या उसके अंदर होती हैं। अभी एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, शरीर जो होता है ना, शरीर वो कोशिका से मिलकर बनता है, सेल जो हमारी बॉडी होती है किससे मिलकर बनती है,
बॉडी कोशिका या सेल से मिलकर बनती है, मेरी बात समझ लो। सेल जो बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, सेल किससे बनते हैं? प्रोटीन से, ठीक है। अब पिता से स्पर्म, माता से एग, ठीक है। 23 क्रोमोसोम इसके, 23 क्रोमोसोम इसके, एक बन गया जायगोट, एक क्या बन गया जायगोट, डिवीजन हुआ, इसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस। तो ये युग्मक बन गया, एक जायगोट बन गया। अब ये जायगोट क्या बन जाएगा? पूरा शरीर बनेगा, पूरा एक बच्चा बन जाएगा, फिर 9 महीने बाद मां के गर्भ से वो बच्चा बाहर आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात को। अब जायगोट एक सेल है, ये एक सेल, एक कोशिका है। इस कोशिका से नेक्स्ट जब ये बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो इसको और नए सेल्स की जरूरत पड़ेगी, और वो जो नए सेल बनाने की प्रक्रिया होगी वो बनेगी कुछ प्रोटीन की मदद से, ठीक है। अब वो प्रोटीन कौन कौन से होंगे उन्हें तय करता है हमारा डीएनए, ठीक है। कि भाई अगर बाल बनने हैं तो बालों वाले प्रोटीन, स्किन बननी है तो स्किन वाले, अंदर के ऑर्गन्स बनने हैं तो ऑर्गन्स वाले प्रोटीन, समझ रहे हैं मेरी बात को, अंदर के ऑर्गन्स बनने हैं तो ऑर्गन वाले प्रोटीन। जबकि अगर मान लो ये डीएनए हमारे नहीं होता तो क्या होता, कि हमें कैसे पता चलता, हमारे सेल को कैसे पता चलता कि मानव का ही हमें बनाना है, या हमारे जो प्रोटीन है, जो सेल बनने हैं, वो जैसे मानव में पाए जाते हैं, इंसान में पाए जाते हैं, ऐसे हो सकता है वो हमारे अंदर किसी जानवर के सेल बनाने लगता, हमारे पंजे निकल आते, नखून लंबे लंबे हो जाते, दांत हमारे मांसाहारी हो जाते जैसे शेर या कुत्ते के होते। तो इसका मतलब कि जो डीएनए है इसमें वो सारी जानकारी कैद रहती है कि भाई ये जो नए सेल है वो कैसे बनेंगे। जानकारी को वो किसके रूप में रखता है? जीन के रूप में। डीएनए, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप उसे कहां रखते हो? तिजोरी में। मतलब तिजोरी में रखते हो ना, अलग अलग 500 के नोट अलग, 1000 के नोट अलग, इस तरह से। तो ये भी उन्हें जीन में बदल के रखता है, किसी के लिए कोई सी जीन, किसी प्रोटीन के लिए कौन सी जीन, ठीक है। और जब इन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके नया सेल बनता है, एक पूरी बॉडी का निर्माण होता है। इसीलिए किसी की आंखें नीली, किसी के बाल काले, किसी के बाल व्हाइट, इस तरीके से बचपन से मिलते हैं। तो डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? जीन। अब डीएनए रूप में वो तो डीएनए नहीं भेज सकता, तो डीएनए क्या करता है, खुद को एक संरचना में रख लेता है। खुद को किसमें रख लेता है? संरचना। खुद को एक स्ट्रक्चर में रख लेता है, और स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? क्रोमोसोम। तो डीएनए जिस स्ट्रक्चर में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र। क्रोमोसोम मान लो इस तरह से, ठीक है। तो क्रोमोसोम पे एक्चुअल में रहती क्या है? जीन्स रहती है। डीएनए का तो मेन काम जीन है, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन रहती है। जिस जीन का जो काम होता है वो जीन बाहर आ जाती है और अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है, मतलब वो प्रोटीन जो उसे बनाना होता है उसे बना देती है। जीन ना सिर्फ प्रोटीन बनाती है, जीन आरएनए का निर्माण भी करती है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो नए सेल बनाने की इंफॉर्मेशन लेके चलता है वो कौन लेके चलता है? डीएनए। जबकि कुछ वायरस होते हैं, वायरस जीवाणु, जब वायरस पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, उनके अंदर जो नए सेल या उनके अंदर जो पूरा मेटाबॉलिज्म या उस उन वायरस की जो प्रक्रिया चलाने की बातें होती हैं, वायरस कैसे काम करता है, वो जो स्टोर रहती है इंफॉर्मेशन वो किसके रूप में रहती है? आरएनए के रूप में रहती है। चलिए इस तरीके से थोड़ी सी बातें इनको आप बोलो तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये डीएनए है, थोड़ा सा अजीब चैप्टर होता है। चलिए अब मुझे एक बार बताइए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कर लीजिए कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, डैश फॉर्म्स बैकबोन इन डीएनए स्ट्रक्चर, इन डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना में, डीएनए की संरचना में बैकबोन का कार्य, बैक बोन का कार्य कौन करता है? डीएनए की संरचना में बैक बोन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस जो नाइट्रोजन वाला क्षार होता था। बी फॉस्फेट प्लस शुगर, पेंटो शुगर। सी फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, दो फॉस्फेट मिलके करते हैं,
या डी शुगर प्लस शुगर, शुगर प्लस शुगर। मैंने क्या कहा, ये जो डीएनए है उसकी बैकबोन मतलब ये वाले लेडर के जो ये होते हैं लेडर की लेग्स, ठीक है, लेडर के पैर, इनका निर्माण कौन करता है? फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट नाइट्रोजीनस बेस या शुगर शुगर, जल्दी बताइए। तो बच्चे ये जो होता है ना ये करता है फॉस्फेट प्लस शुगर, शुगर और फॉस्फेट। ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि PO4 3 नेगेटिव प्लस जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये पांच पांच कार्बन वाली होती है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक बैकबोन का कार्य करते हैं जिससे बेस अटैच रहते हैं दूसरे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू है, मोनोमर ऑफ डीएनए इज, डीएनए का एकलक क्या होता है, डीएनए का एकलक क्या होता है, एकलक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, एक न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनती है, एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनती है, किससे बनती है। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉस्फेट एंड शुगर इज कनेक्टेड विद डैश बॉन्ड्स, शर्करा वे फॉस्फेट के मध्य डैश बंधन होते हैं, कौन सा बंधन होता है, फटाफट बताइए तीनों के आंसर। न्यूक्लियोटाइड क्या क्या होता है उसके अंदर, बच्चा मोनोमर ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलते हैं बाबू, न्यूक्लियोटाइड, जिससे डीएनए मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से मान लो जैसे पूरी दीवार बनती है ना ईंट ईंट से, इसी तरह हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, इस तरीके से इनके बीच में क्या रहता है, बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनती है, एक तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, एक उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है या कोई भी एक शुगर होती है पेंटोज शुगर, क्योंकि आरएनए के लिए बात करेंगे हम, आरएनए भी तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, प्लस एक क्या रहता है इसमें, नाइट्रोजन वाला बेस, नाइट्रोजन वाला क्षार, ठीक है। फॉस्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फेट और शुगर के बीच में, बहुत अच्छे, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवालेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवालेंट बॉन्ड, ठीक है, इसमें संयोजक बंधन होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हो गए आपके, और बता रहा हूं नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव, एडिनिन एंड ग्वानिन आर डैश नाइट्रोजन, नाइट्रोजीनस बेस, मतलब कौन से, एडिनिन वे ग्वानिन, एडिनिन वे ग्वानिन कौन से नाइट्रोजन वाले बेस होते हैं, कौन से बेस होते हैं, कौन से क्षार होते हैं, प्योरीन पाइरिडीन बताने आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पाइरिडीन बेस इन न्यूक्लिक एसिड्स आर, कौन कौन से पाइरिडीन क्षार होते हैं न्यूक्लिक अम्लों में, पाइरिडीन न्यूक्लिक अम्ल में पाइरिडीन क्षार, न्यूक्लिक डीएनए और आरएनए दोनों में बताना है, न्यूक्लिक अम्ल में पायरिडीन क्षार कौन कौन से होते हैं, क्षार कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्यूरीन्स आर प्यूरीन कंटेन डैश रिंग्स, कितने रिंग पाए जाते हैं प्यूरीन में,
और क्वेश्चन नंबर 8 है पाइरिडीन कंटेन डैश रिंग्स, बताओ प्यूरीन ठीक है आगे पाइरिडीन एडिनिन और रिंग कैसे होते हैं प्यूरीन बेस है प्यूरीन एजी प्योर हो पाइरिडीन बेसिस कौन कौन से होते हैं थायमीन बेटा ये थायमीन ठीक है विटामिन बी वन हो जाता है थायमीन साइटोसिन एंड यूरेसिल ठीक है प्यूरीन के अंदर कितने रिंग पाए जाते हैं डबल अभी मैंने बताया था डबल रिंग पाए जाते थे ना इस तरह से फिर एक इधर रहता था और इसमें कितने रिंग पाए जाते हैं सिंगल रिंग पाइरिडीन में कितने रिंग पाए जाते हैं सिंगल रिंग एक रिंग पाया जाता है क्लियर है ना पाइरिडीन में कितने रिंग पाए जाते हैं सिंगल चलिए अरे मैं बीमार था इसलिए हिस्ट्री की क्लास नहीं ले रहा आपको दिखने लगा हूँ मेरी खांसी होती पूरा गला मेरा पकड़ा है इसलिए नहीं ली थी आज लूंगा अभी मैं ठीक नहीं हूं लेकिन मैं बोला इतने दिन क्या से इसको हटाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ आरएनए कितने टाइप का होता है ठीक है हेरिडिटरी यूनिट अनुवांशिक इकाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डैश प्रोटीन्स एग्रीगेट या बाइंड डीएनए अराउंड देम सेल्स ये प्रोटीन डीएनए को अपने चारों तरफ बाइंड करते हैं कौन से प्रोटीन अपने चारों तरफ बाइंड करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है ये कहां से इनहेरिट किया जाता है बिल्कुल सही शाबाश गुड बिल्कुल सही कितने टाइप के होते हैं आरएनए तीन टाइप के मैसेंजर जो मैसेज लेके जाते हैं टीआरएनए जो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स को कलेक्ट करते हैं और आरआरएनए राइबोसोमल जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं हेरिडिटरी यूनिट क्या होती है जीन जीन जो है वो अनुवांशिक इकाई है ठीक है इसी से नए प्रोटीन बनते हैं कौन से प्रोटीन होते हैं जो बाइंड करने के काम आते हैं हिस्टोन प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को अपने चारों तरफ बाइंड करते हिस्टोन और माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए है ये कहां से लिया जाता है मदर से मां से माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए इनहेरिट किया जाता है ठीक है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहां से इनहेरिट किया जाता है मम्मी जी से चलिए नेक्स्ट आता है सीक्वेंस ऑफ डैश प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस टू मेक न्यू सेल्स और प्रोटीन्स क्या दे रखा है कि किस चीज की सीक्वेंस में वो जानकारी छुपी होती है जो नए सेल या प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होती है किस चीज की सीक्वेंस में वो जानकारी छुपी रहती है जैसे अल्फाबेट नहीं होते टॉय वॉट इनका कोई मतलब नहीं है टॉय का मतलब है तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन छिपी रहती है जिससे नए सेल या प्रोटीन बन सकते हैं कौन सा होता है शाबाश आंसर दो इसका शाबाश गुड बेटा हिंदी में ये डीएनए थोड़ा सा
टफ चैप्टर है, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनस बेस, बेटा नाइट्रोजन वाले क्षार होते हैं उन्हीं की सीक्वेंस तो जीयूसी यूयूजी, ये ल्यूसीन बनाने के काम आता है ल्यूसीन वाला प्रोटीन, तो इनकी सीक्वेंस ही तो जो तीन तीन ग्रुप में रहते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इनके टोटल कितने पोजीशन हो सकते हैं 64, और जबकि अमीनो एसिड कितने होते हैं 20 अमीनो एसिड से सारे प्रोटीन बनते हैं। तो ये जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन थायमिन एडिनिन, इनसे ही क्या बनते हैं प्रोटीन बनते हैं, इनसे नए सेल्स बनते हैं, इन्हीं की सीक्वेंस से है कि नहीं, इन्हीं की सीक्वेंस से। चलो और क्वेश्चन ढूंढ लो, जाओ फर्स्ट स्टेप इन द फर्स्ट स्टेप इन द मेकिंग ऑफ न्यू सेल, नए सेल बनाने के लिए जो सबसे पहला न्यू प्रोटीन या सेल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, न्यू प्रोटीन या सेल बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, जल्दी बताइए इसका। बिल्कुल सही, ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है बाबू, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्ट एक डीएनए का जो पार्ट होता है उसे एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है, वो डीएनए की टेम्पलेट, बिल्कुल डीएनए को जैसे ही मैसेंजर आरएनए बना देता है, ठीक है, और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाके नए प्रोटीन बनाने करता है, और फाइनल होता है ट्रांसलेशन। चलिए सबसे पहले, हाँ एक बात याद है ना, आपको याद होगा कि हरगोविंद खुराना ये इंडियन अमेरिकन थे, इन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला था इनको, इन्होंने ये जेनेटिक सीक्वेंस होती है ना, ये जीन की जो सीक्वेंस होती है, ये यूयूजी सीयूजी इन पे कार्य किया था, तो जीन की जो सीक्वेंस होती है कि नई प्रोटीन, जीन की जीन अपने आप को कैसे सीक्वेंस में रखती है और नए जो प्रोटीन बनते हैं उनके लिए कौन कौन से जीन जिम्मेदार होते हैं, तो कौन कौन से सीक्वेंस जिम्मेदार होते हैं, इनको खोजने का काम किया था हरगोविंद खुराना जी ने, इसलिए इनका नाम भी डीएनए में आता है। और वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों पे सेम इंफॉर्मेशन रहती है। और भैया सबसे पहले डीएनए खोजा किसने था, न्यूक्लिक एसिड, फ्रेडरिक मिशन। जीनोम, ह्यूमन जीनोम, जीनोम से आप क्या समझते हो, जीनोम क्या होता है, तो जीनोम होता है हमारे अंदर ऑल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम है हमारे अंदर 46, जितनी भी जीन है उनके अंदर लगभग 3 बिलियन क्या है न्यूक्लियोटाइड, और उनके अंदर जितनी भी 70,000 जीन्स है उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम, ठीक है ना। जीनोम जितना भी हमारे अंदर डीएनए है वो टोटल का टोटल पूरा उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड है और वो किसके अंदर रखी गई है, क्रोमोसोम के अंदर, उस सबको मिला के एक साथ क्या बोला जाता है, जीनोम। चलिए डीएनए बताइए, तो इस तरीके से डीएनए के ऊपर जो मोटी मोटी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी, आप इसके क्वेश्चंस लगाएं, तो मैंने ल्यूसेंट इसके ऊपर डीएनए के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी आपके पास कोई अपनी स्पेशल बुक हो तो आप वहां से लगा सकते हो, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। शाम की क्लासेस का मैंने शेड्यूल दे दिया था, कमेंट आप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ऑफलाइन, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट, आज 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अभी मैं कम्युनिटी पे डालूंगा, क्या करें कभी तबीयत खराब है, ज्यादा तो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, 2 लाख अपने परिवार के सदस्य होने वाले हैं तो उसका देखेंगे क्या कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट वीडियो और आएगी क्योंकि फंड बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं, 2 दिन में
उसको जल्दी जल्दी से बाकी जिसको भी फंडिंग करनी है कर दीजिए, फिर आगे चीजों को बढ़ाया जाए, उस स्टूडियो की सारी बातें की जाए, ठीक है। उसके ऊपर एक वीडियो आएगी शाम को 7 बजे, हिस्ट्री है और 8 बजे इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और कमेंट्स जरूर कीजिएगा ऑफलाइन। ये चैप्टर जो भी आपने पढ़ा है, ये जब तक दो बार नहीं पढ़ोगे आप में से कोई भी, जब तक दो बार नहीं पढ़ोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसे दो बार पढ़ना कम से कम, ठीक है, आ जाएगा समझ में। आपको कुछ नहीं समझना, डीएनए होता क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीज पाई जाती है, कौन कौन से बेस होते हैं, प्यूरीन क्या होता है, पायरिडीन क्या होता है, इससे ऐसी ही 5 से 6 चीजें पढ़नी है और वही आपका कार्य कर जाएगा। हालांकि डीएनए बहुत ही गहरी चली जाने वाली चीज है, इसमें डीप जाएंगे तो और भी डीप इसमें जाते हो, लेकिन अभी आपको कंपटीशन के लिए इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो मैंने और भी एक्स्ट्रा पढ़ा दिया स्ट्रक्चर वगैरह, वरना इसमें तो 15 क्वेश्चन लिखवा दो डीएनए के, उन 15 क्वेश्चन से अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है भैया। चलिए यही रखते हैं आज के लिए, और फिर अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं शाम वाली क्लासेस में, बीच में 2 लाख होंगे तो उसका देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। और कुछ तबीयत खराब में कुछ बताने का मन नहीं करता, ठीक है भैया, फिर यहीं तक रखता हूँ। इसको चैप्टर को प्लीज ऐसे मत कहना समझ में नहीं आया, आप कर लेना, ठीक है ना। मैंने तो अपना सब कुछ बता दिया बच्चा, जितना भी मुझ पे इसमें आता था, ठीक है बच्चा। थैंक यू, जय हिंद, और शेयर वगैरह कर दिया करो आप लोग।